नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। मोदी सरकार की तरफ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। इसके लिए 3,03,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं देश में गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी मिली। वहीं इस बैठक को लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड की वजह से 6,28,28 करोड़ की मदद का खाका बताया था, उसे भी आज मंजूरी दे दी गई। जावड़ेकर ने कहा कि नवंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। बुधवार को प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को अहम जिम्मेदारी देकर अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। हाल ही में पंजाब को लेकर हलचल बढ़ी थी क्योंकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ लंबी बैठक हुई। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी मारलेना को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। आतिशी को नोटिस दिए जाने का पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी एक नेता के खिलाफ कोई आपराधिक साजिश को साबित नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार उसके नेताओं को तरह तरह से परेशान करती रही है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि वर्तमान विधायक आतिशी मारलेना को भी एक पुराने मामले में आयकर विभाग का नोटिस पकड़ाया गया है, जो बेहद निंदनीय है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी आज तक उनके एक भी नेता के खिलाफ कोई भी बात साबित नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी लगातार इसी तरह की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैठक बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में एक और बात निकलकर सामने आई है। सूत्रों का बड़ा दावा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अब एनएसजी ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया है, साथ ही जैमर भी इंस्टॉल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से दिखाई दे रहे ड्रोन ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा रखा है। वहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के एक अधिकारी का कहना है कि जितनी चिंता ड्रोन की है उससे कहीं ज्यादा परेशानी अंडरग्राउंड वर्कर्स की है, जो आसपास ही छिपे हुए हैं। इसकी अधिक आशंका है कि भारतीय सीमा के भीतर से ही ड्रोन उड़ाए जा रहे हों। अति संवेदनशील जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में रविवार को हुए ड्रोन हमले के बाद जांच एजेंसियां अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं कि वो ड्रोन सीमा पार से एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचा था। हालांकि जांच एजेंसियों ने इसके पीछे पाक समर्थित लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों के होने की बात कही है। इन आतंकी संगठनों के जम्मू में सक्रिय अंडरग्राउंड वर्कर की मौजूदगी भी बताई गई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में बुधवार को आरोपी बूटा सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को लाल किला हिंसा मामले में वांछित गुरजोत सिंह को अमृतसर से गिरफ्तार किया था।
उस पर लाल किले के सामने भड़काऊ भाषण देने और लाल किले के पीछे गुंबद पर धार्मिक झंडा फहराने का आरोप था। कुछ दिन पहले ही किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 17 मई को 3,224 पन्नों का आरोप पत्र भी दायर किया गया था और सिद्धू समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मामला चलाने का अनुरोध किया गया था। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता सिद्धू को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उस पर लाल किले में हंगामे को बरपाने का आरोप लगाया था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को किसान प्रदर्शनकारियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के बाद किसान नेता राकेश टिकैत आग बबूला होकर बीजेपी वालों पर बरस पड़े। राकेश टिकैत ने कहा कि वो वहां पर आ गए हैं और अपने किसी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये मंच संयुक्त मोर्चे का है, अगर मंच पर जाना है तो इसमें शामिल हो जाइए। वहीं इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सड़क पर मंच होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मंच पर आ जाएगा। अगर आना ही है तो बीजेपी छोड़कर आया जाए। जो कब्जा करने की कोशिश करेगा उसको खदेड़ दिया जाएगा और साथ ही बक्कल को उधेड़ देने की बात भी राकेश टिकैत ने कही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाँ, मैं धमकी दे रहा हूं, मंच पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में उन्हें कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। उनकी कोशिश थी कि वो मंच पर झंडा लगाएं और अपने नेता का स्वागत करें। अभिनेत्री मंदिरा बेदी के लिए बुधवार का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बुधवार की सुबह मंदिरा बेदी के पति राज कौशल ने अंतिम सांस ली और दोपहर को राज कौशल का अंतिम संस्कार किया गया। राज को अंतिम विदाई देने के लिए कई सेलिब्रिटी पहुंची। राज को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त कई वीडियो सामने आया है जहाँ मंदिरा बेदी पति की अर्थी को उठाए हुए नजर आई। इस दौरान खुद मंदिरा बेदी अपने आप को टूटने से रोक नहीं सकी। आपको बता दें कि राज कौशल जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। राज ने कई एड्स भी बनाए थे। महज 49 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। बता दें कि मृत्यु से एक दिन पहले ही वे अपने दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए नजर आए थे। इस खबर से पूरा बेदी परिवार के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी के कई सारे सितारे सदमे में। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी मान रहा है कि कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोरोना के कारण मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनडीएमए से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट जारी करे। जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एनडीएमए के अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को दिए निर्देशों को बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि एससी ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी दल कई बार राजनीति कर चुके हैं और इस बीच कई विपक्षी नेताओं की ओर से वैक्सीन भी लगवाई गई है। इसी कड़ी में अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम भी इस फहरिस्त में जुड़ गया है।
उन्होंने बुधवार को पटना स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी टीके कारगर हैं। हमने स्पुतनिक वी का टीका लगवाया है। जो लोग इस मामले में बयान देते हैं उन्हें देने दीजिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कल की बैठक में मैंने पार्टी नेताओं से अपील की थी कि सभी कोरोना का टीका जल्द ले लें। नेताओं से अपील के बाद आज हमने टीका खुद लिया है। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। पटना हवाई अड्डे ने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी की ओर से हवाई अड्डे के निदेशक को पत्र लिखा। उन्होंने ट्विटर पर साझा करते हुए पत्र लिखा है कि नवीनतम आदेशों के मुताबिक महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों से आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में 1 जुलाई से स्नातक अंतिम वर्ष के करीब 35,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होंगी। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में गुरुवार को शिक्षकों की हाजिरी अनिवार्य की गई है। शिक्षक स्कूल आकर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के लिए सभी स्कूल बंद रहेंगे। 15 जुलाई के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बुलाने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में दूसरी बार आई कोरोना की लहर के बाद बंद पड़े शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी, चामुंडा और नैना देवी मंदिर के कपाट 1 जुलाई से खुलने जा रहे हैं। अब श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि मंदिर में उनके लिए कोविड काल की दूसरी लहर से पहले की तरह व्यवस्थाएं शुरू होने जा रही हैं। वे गर्भगृह में जा सकेंगे, प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे और घंटी भी बजा सकेंगे। कोरोना काल में महंगाई से जनता परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। अब अमूल ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने कहा है कि बुधवार के बाद में तेल के बाद अब दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया है और अब सभी दूध के पैकेट्स में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कोविड 19 महामारी के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाया। ये आवाजाही डीजीसीए के अनुमति प्राप्त और पूर्ण रूप से मालवाहक उड़ानों पर लागू नहीं होगी। विशेष मामलों में कुछ चुनिंदा रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दी जा सकती है इजाजत। ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन गांव ने मंगलवार को कनाडा में लगातार तीसरे दिन अब तक के सबसे ज्यादा तापमान का तोड़ा रिकॉर्ड। पर्यावरण मंत्रालय कनाडा के मुताबिक लिटन जलवायु स्टेशन ने मंगलवार दोपहर को 49.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया तापमान, जो इससे पहले सोमवार और रविवार को दर्ज किए गए 47.9 डिग्री सेल्सियस और 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है। भीषण गर्मी से हो चुकी है 230 लोगों की मौत। ब्राजीली स्वास्थ्य मंत्रालय ने करप्शन के आरोपों के बीच कोवैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने के लिए भारत बायोटेक के साथ 2400 करोड़ की डील को किया कैंसिल। ब्राजील के संघीय अभियोजकों ने ज्यादा कीमतों का हवाला देते हुए सौदे की तहकीकात की शुरू। हालांकि मंत्रालय के दावे के मुताबिक सौदे में कोई अनियमितता नहीं आई नजर। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक 1 साल के लिए बढ़ा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल। 30 जून 2022 तक पद पर बने रहेंगे अमिताभ कांत। इससे पहले 30 जून 2019 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें 2 साल का सेवा का दिया गया था विस्तार। मेक इन इंडिया पहल का प्रमुख चेहरा है अमिताभ कांत।
दिल्ली की 20 वर्षीय साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट अदिति सिंह को माइक्रोसॉफ्ट के एजूर क्लाउड सिस्टम में आरसीई बग ढूंढने के लिए मिला 22 लाख का अवार्ड। अदिति को फेसबुक ने भी ऐसा ही बग ढूंढने के लिए दिए थे 5,05,000 रुपए। इससे पहले मैप माई इंडिया में एक बग ढूंढने के बाद कंपनी ने उन्हें बिना डिग्री के दी थी नौकरी। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एला को मिली वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा। कोविड-19 वैक्सीन निर्माण के नेतृत्वकर्ता की प्रोफाइल के साथ एला को कुछ वक्त पहले मिली थी सीआईएसएफ की सशस्त्र कमांडो सुरक्षा। अब 2-3 कमांडो उनकी सुरक्षा में रहेंगे 24 घंटे तैनात। जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा है कि बदल रहे हैं युद्ध के तरीके, हमें विशेष ड्रोन्स की खरीद पर रक्षा बजट का काफी हिस्सा करना होगा। आवंटित ड्रोन हमलों से प्रभावी सुरक्षा के लिए हमें इसराइल की आयरन डोम जैसी अवधारणाओं पर करना चाहिए काम। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर को पत्र लिखकर की मांग, कहा प्लेटफॉर्म से एक हफ्ते के अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट हटाने को लेकर संजीदगी दिखाए ट्विटर। आयोग ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का भी किया आग्रह। इस मामले में मंगलवार को ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत दर्ज हुआ था केस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने की पुष्टि, प्यूर्टो रिको के एमिलियो फ्लोर्स मार्केज 112 साल और 326 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष। 8 अगस्त 1908 को पैदा हुए एमिलियो की पत्नी का 2010 में हुआ था निधन, जिनके साथ उनका 75 साल का वैवाहिक जीवन रहा। उनके 5 नाती पोतों के कुल 5 बच्चे। जूडो क्लासेस के दौरान बार बार फर्श पर पटके गए 7 वर्षीय ताइवानी लड़के की गंभीर ब्रेन हेमरेज के साथ 70 दिनों तक कोमा में रहने के बाद मंगलवार को हो गई दर्दनाक मौत। लड़के को 21 अप्रैल को उसके कोच द्वारा कथित तौर पर 27 बार पटकने के बाद अस्पताल लाया गया था। लड़के के माता पिता ने उसे लाइफ सपोर्ट से हटाने का किया था फैसला। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का सख्त मिजाज आया सामने। अमेरिका और पश्चिम देशों को कहा, चीन से पाकिस्तान के कैसे हो रिश्ते ये आप हमें बताने की ना करें गलती। पाकिस्तान अपना अच्छा बुरा आकलन करने का खुद है लायक। नए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग 6 से 9 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर का करेगा दौरा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की जाएगी वार्ता। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस कार्य में करेंगे सहयोग ताकि परिसीमन का काम वक्त रहते किया जा सके मुकम्मल। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन वोग मैगजीन के अगस्त एडिशन के कवर पेज पर आई नजर। मैगजीन के कवर पेज पर जिल के लिए लिखा है, डॉक्टर जिल बाइडन हम सभी के लिए फर्स्ट लेडी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति व जिल के पति जो बाइडन ने वोग मैगजीन से कहा, मुझे वास्तव में उन पर है नाज। जानी मानी एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के आगामी सीजन का हिस्सा ना होने की खबरों पर जाहिर की अपनी प्रतिक्रिया। कहा, इन अफवाहों में नहीं है किसी भी तरह की कोई सच्चाई। उन्होंने कहा, शो के आगामी सीजन का रहूंगी हिस्सा। बकौल अर्चना, पिछले साल भी ऐसी अफवाहें आई थी जब मैं एक फिल्म की कर रही थी शूटिंग।
उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने कोविड 19 के एक महत्वपूर्ण मामले के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया। बकौल किम, अधिकारियों ने कर्तव्यों को किया नजरअंदाज, जिससे देश और लोगों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुआ गंभीर संकट। विश्लेषकों का दावा, उत्तर कोरिया में मिल रहे हैं कोविड 19 संक्रमण के रिकॉर्ड मामले। भारत में पीएनबी से जुड़े 14,000 करोड़ के घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने लंदन के हाईकोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के जाने के खिलाफ दायर की नई याचिका। इससे पहले हाईकोर्ट 50 वर्षीय हीरा कारोबारी की याचिका को कर चुका है खारिज। फिलहाल नीरव मोदी दक्षिण पश्चिम लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में है। जर्मनी की रक्षा मंत्री एनेग्रेट कैंप कैरेन बाउर का बड़ा बयान आया सामने। कहा, अफगानिस्तान में तैनात उनके सैनिकों की अंतिम टुकड़ी मंगलवार को हुई स्वदेश के लिए रवाना। एनेग्रेट कैंप के बकौल, ये एक ऐतिहासिक अध्याय का है अंत। उन्होंने 2001 से अब तक अफगानिस्तान में तैनात रहे 150,000 सैनिकों का जताया आभार और कहा कि वो इस मिशन पर कर सकते हैं गर्व। काबुल में मौजूद भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए 13 बिंदुओं की एडवाइजरी की जारी। एडवाइजरी में दी गई है हिदायत। अफगानिस्तान के कई प्रांतों में सुरक्षा स्थिति बनी हुई है बेहद खतरनाक। चरमपंथी समूहों ने हिंसक गतिविधियों को तेज करने का किया है ऐलान। भारतीय नागरिकों के अपहरण और जान की हिफाजत को लेकर एहतियात के मद्देनजर जारी की गई है पहल। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा मंगलवार को जारी सूची के मुताबिक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अब 10वें स्थान पर पहुंचा भारत। इस सूची में चीन 33वें जबकि 79वें पायदान पर है पाकिस्तान। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है अमेरिका, वहीं दूसरे पायदान पर यूके और सऊदी अरब हैं साथ साथ। तेईस बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स पैर में चोट की वजह से हुई बाहर। पहले राउंड का मैच छोड़ने के बाद विंबलडन 2021 से बाहर होने के कारण कोर्ट पर भावुक हो गई सेरेना। चोटिल होने से पहले सेरेना पहले सेट में 3-1 से आगे थी और स्कोर 3-3 होने पर वो रिटायर हुई। उन्होंने कहा, मैच छोड़ने के कारण मैं दुखी। आईसीसी ने टेस्ट बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग की जारी। डब्ल्यूटीसी विजेता न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को हटाकर शीर्ष पर पहुंचे। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं बरकरार। टॉप 10 में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी हैं शामिल। 13वें स्थान पर हैं अजिंक्य रहाणे। दुनिया के नंबर एक साइकिलिस्ट प्रिमोज रोगलिक साइकिल रेस टूर द फ्रांस के तीसरे चरण के दौरान फिनिश लाइन से 10 किलोमीटर पहले गिरकर हुए चोटिल। पिछले साल रेस के उपविजेता रहे स्लोवेनियाई साइकिलिस्ट रोगलिक ने शरीर पर बंधी पट्टियों के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए खुद को बताया मम्मी। लिखा, स्थिति अच्छी नहीं है मेरी। प्लूरल एस्पिरेशन के चलते दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को एक बार फिर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए दिलीप की हालत है स्थिर। सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने पर 6 जून को भी कराया गया था अस्पताल में एडमिट। फिल्म एक्ट्रेस बंदिरा बेदी के पति फिल्म मेकर राज कौशल का 49 साल की उम्र में हुए निधन से बॉलीवुड में दौड़ी शौक की लहर। दिल का दौरा पड़ने से हुई राहत कौशल की मौत। फिल्मकारों ने जताया अफसोस। सोशल मीडिया पर बंदिरा बेदी और राज कौशल के चाहने वालों ने बढ़ाया ढांढस।
दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को निमोनिया होने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में करवाया गया भर्ती। डॉक्टर्स की निगरानी में 70 वर्षीय जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह फेफड़ों में तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में एडमिट। अब उनकी हालत है स्थिर, सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।